हेलो भाई लोग, क्या हालचाल। मैं हूं कुणाल, स्वागत करता हूं आप सभी का केएस टीवी की एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, जो रियलमी का रियलमी एक्स है, जो काफी टाइम से हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि अब लॉन्च होगा तब लॉन्च होगा, वो फाइनली इंडिया में आने वाला है। और इसकी जो लॉन्च डेट है वो बताई जा रही है कि ये 15 जुलाई है। जी हाँ दोस्तों, जो रियलमी के सीईओ है माधव सेठ, उन्होंने ट्विटर पे इस रियलमी एक्स की फोटो पोस्ट करी है और ट्वीट करके कहा है कि रियली एक्साइटेड एंड कमिंग सून टू इंडिया ऑन 15 जुलाई। इसका मतलब ये है दोस्तों, जो रियलमी एक्स है वो 15 जुलाई को जरूर इंडिया में आने वाला है। और ये टाइम काफी एक्साइटिंग है, क्योंकि जो रेडमी का K20 और K20 प्रो है वो इसी टाइम के दौरान आने वाला है। और इसका मतलब ये है कि जो दोनों ब्रांड्स हैं उनके बीच में तगड़ा कॉम्पिटिशन होने वाला है, और तगड़े कॉम्पिटिशन का मतलब हम कंज्यूमर्स का ही फायदा है। तो दोस्तों, ये जो रियलमी एक्स है, इसके कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो आपको एक्साइट कर सकते हैं, ये सारे फीचर्स आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस रियलमी एक्स के डिस्प्ले के बारे में। तो इसका जो डिस्प्ले है वो एक 6.53 इंचेस का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले है, जो कि कम्प्लीटली बेजललेस है। किसी भी तरह का कोई नॉच देखने को नहीं मिलेगा। और इसका जो एस्पेक्ट रेशियो वो है 19.5:9, यानी कि जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो होता है 91.2%। मतलब कि जो फ्रंट ऑफ द डिवाइस है उसमें 91% सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन ही देखने को मिलेगी। तो इतने बढ़िया डिस्प्ले की मदद से आप बहुत ही अच्छे से वीडियोस को देख सकते हो, और आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो काफी शानदार रहेगा इस रियलमी एक्स के शानदार डिस्प्ले की वजह से। अब बढ़ते हैं इसके कैमरा की तरफ। तो दोस्तों, इसका जो फ्रंट कैमरा है वो एक पॉपअप सेल्फी कैमरा रहेगा, जो कि एक 16 मेगापिक्सल का सेंसर रहेगा, जो कि F2.0 एपर्चर के साथ आता है। और रियर कैमरा में आपको ड्यूअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। उसके अंदर जो प्राइमरी कैमरा है वो एक 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, जिसके अंदर आपको सोनी का IMX 586 सेंसर देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये सेम सेंसर है जो OnePlus 6T में यूज होता है, और OnePlus 6T की प्राइस है 35,000 रुपीज। तो आप सोच सकते हो कि कितना हाई एंड सेंसर यूज किया है Realme ने अपने 48 मेगापिक्सल कैमरा में। जो दूसरा कैमरा है वो एक 5 मेगापिक्सल का कैमरा है, शायद से एक डेप्थ सेंसर रहेगा। इसकी मदद से आपके जो पोर्ट्रेट शॉट्स है वो काफी अच्छे आने वाले हैं। और दोस्तों, इसके अंदर आपको एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको 3765 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि वूक चार्ज 3 के सपोर्ट के साथ आता है। और फाइनली आपको रियलमी डिवाइसेस के अंदर टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं हम इसके प्रोसेसर की तरफ। तो दोस्तों, रियलमी एक्स का जो चाइनीज वेरिएंट है उसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 710 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इसे कॉम्पीट करना है रेडमी के K20 से, तो शायद आपको रियलमी एक्स के अंदर स्नैपड्रैगन का 730 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि जो रेडमी का K20 है वो ऐसा पहला स्मार्टफोन बनेगा जो स्नैपड्रैगन 730 के साथ लॉन्च होगा इंडिया में। लेकिन अगर रियलमी एक्स इससे पहले लॉन्च हो जाता है, तो ऑब्वियसली रियलमी एक्स बन जाएगा पहला स्मार्टफोन जो स्नैपड्रैगन 730 के साथ आता है इंडिया में। दोस्तों, हमने काफी टाइम से ऑब्जर्व किया कि रियलमी इसी टाइप से अपने फोन्स बनाता है कि जो रेडमी के फोन्स होते हैं उनको टफ कंपटीशन दे पाए, और इसी ट्रेंड को उन्होंने कंटिन्यू किया है इस रियलमी एक्स के साथ में भी। क्योंकि हम देख सकते हैं कि स्नैपड्रैगन 730 और जो लॉन्च डेट है वो भी इसके आसपास ही रखी है। तो दोनों फोन्स के बीच में कड़ी टक्कर होने वाली है, और आगे देखना होगा कि कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा सेल्स कर पाता है इंडिया में। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और हमें कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए कि अगर आपका बजट 20,000 रुपए है तो आप कौन सा स्मार्टफोन लेना पसंद करोगे, रियलमी एक्स या फिर रेडमी का K20। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों इस आइकन के ऊपर क्लिक करके, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी रोजाना वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए KS TV।